मोर अबाउट एमएस पावर पॉइंट अबाउट द चैप्टर इंसर्ट अ पिक्चर और क्लिप आर्ट इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट अप्लाई थीम्स न्यू स्टार्ट स्क्रीन एड नंबरिंग एंड बुलेट्स अप्लाई एनिमेशन इन पावर पॉइंट इंसर्ट टेबल्स इंसर्ट म्यूजिक फाइल्स। पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू क्रिएट डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस। इट मे इंक्लूड एनिमेशंस इमेज वीडियो क्लिप्स साउंड टेक्स्ट etc. We can also modify the ribbon and quick access toolbar. PowerPoint is a presentation software. PowerPoint क्या है? एक presentation software है जिसमें आप slide create कर सकते हैं, slide पे animation apply कर सकते हैं और slide show presentation देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं एनिमेशन इमेज वीडियो क्लिप साउंड टेक्स्ट की मदद से और हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं रिबन को एंड क्विक एक्सेस टूलबार को एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर जनरली created in three formats. PowerPoint presentations are generally created in three formats. First one, blank and recent. This format creates a blank presentation. इसे आप blank presentation create कर सकते हैं। Next, installed templates. This format creates a presentation by asking questions on the topic of the presentation. Installed template की मदद से आप format create कर सकते हैं presentation के लिए और ये one by one question पूछता जाएगा, उसके according आपको answer देते जाना है, आपका slide तैयार हो जाएगा। Next, installed themes. This format contains ready-made slides, color, patterns and graphics. Installed templates में क्या होता है? इसमें ready-made design, slide, color, pattern और graphics होते हैं, जिसकी मदद से आप slide बना सकते हैं। Here given in examples, all three are a blank presentation, an installed template presentation, and installed theme presentation. Next topic is insert a picture or clip art. Picture make our presentation unique and enhance its appearance. We can use pictures and clip art images as backgrounds for our slide in PowerPoint. We can insert clip art and picture from file. हम लोग अपने स्लाइड में प्रेजेंटेशन में पिक्चर और क्लिप आर्ट गैलरी से डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर इंसर्ट कर सकते for unique and enhance its appearance, ताकि हमारा जो स्लाइड हो प्रेजेंटेशन हो ये यूनिक हो और एट्रैक्टिव हो, यूजर फ्रेंडली हो, ईजी अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। अगर आप क्लिप आर्ट से इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर्स को, देन वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। तो हम लोगों को इस स्टेप को फॉलो करना। स्टेप वन,
Select the Insert tab. Insert tab पे क्लिक कीजिए. Step 2. Click the Clip Art command in the image group. Then आपको क्या करना है, Clip Art command पे क्लिक करना है जो image group में available है. Step 3. Clip Art of options appear in the task pane to the right of the document. जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पे तो आपके स्क्रीन के राइट साइड में टास्क पेन अपीयर होगा. स्टेप 4. एंटर कीवर्ड्स इन द सर्च फॉर बॉक्स. अब आपको सर्च फॉर बॉक्स में कीवर्ड एंटर करना है जिस पिक्चर को या जिस टाइप के पिक्चर को आप सर्च करना चाहते हैं. स्टेप 5. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द रिजल्ट शुड बी फिल्ड एंड डे सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ मीडिया फाइल दैट यू डू नॉट विश टू सी. ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप उस फील्ड को डीसेलेक्ट कर सकते हैं जिसके मीडिया को आप इंसर्ट नहीं करना चाहते. स्टेप 6. क्लिक ऑन गो बटन. अब आपको क्या करना है, गो बटन पे क्लिक करना है. स्टेप 7. सेलेक्ट द डिजायर्ड क्लिप आर्ट इमेज फ्रॉम द पेन. अब आपके पेन में बहुत सारे पिक्चर्स डिस्प्ले होंगे, आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं. हेयर इज गिवन एग्जांपल्स ऑफ टाइगर पिक्चर इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ क्लिप आर्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम फाइल. अब आप चाहते हैं कि पिक्चर इंसर्ट करना हो फाइल से तो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल वी फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब ऑफ द रिबन. आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. स्टेप 2. क्लिक ऑन पिक्चर फ्रॉम इलस्ट्रेशंस ग्रुप. आपको पिक्चर कमांड पे क्लिक करना है इलस्ट्रेशन ग्रुप में. इसके बाद क्या होगा, एन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. आपके स्क्रीन पे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. नेक्स्ट स्टेप 3. सेलेक्ट द पिक्चर फाइल दैट इज टू बी इंसर्टेड. उस पिक्चर फाइल को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं. स्टेप 4. क्लिक ऑन इंसर्ट बटन. अब आपको क्या करना है, इंसर्ट बटन पे क्लिक कर. जैसे ही आप इंसर्ट बटन पे क्लिक किए तो आपका पिक्चर आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, आपके फाइल में अपीयर हो जाएगा. द इंसर्टेड पिक्चर ऑन द पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी एडिटेड by resizing, moving, rotating etc. We can also add effects to our picture. अब आप उस पिक्चर पे को एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे रिसाइज कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और पिक्चर पे स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग ए स्मार्ट आर्ट. टू ऐड ए स्मार्ट आर्ट विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आप चाहते हैं स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना अपने स्लाइड में तो स्मार्ट आर्ट है क्या, स्मार्ट आर्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट. जो हमारा टेक्स्ट है उसी को का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आप चाहते हैं उसको ग्राफिक्स की मदद से डिस्प्ले करें तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं. अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए. स्टेप 1. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. स्टेप 2. क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप.
आपको फर्स्टली इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, फिर स्मार्ट आर्ट कमांड पे क्लिक करना है इलस्ट्रेशन ग्रुप में से। जैसे आप क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा जो इस तरीके से दिखेगा जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। स्टेप थर्ड, सेलेक्ट द लेआउट ऑफ स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द लेफ्ट पेन एंड चूज द टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट आर्ट का लेआउट सेलेक्ट करना है और जिस टाइप का स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कीजिए। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द ओके बटन। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है तो आपका स्मार्ट आर्ट आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यू विल सी दैट द सेलेक्टेड स्मार्ट आर्ट हैज बीन इंसर्टेड इन द स्लाइड एंड टू टैब्स डिजाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब हैव ऑटोमेटिकली अपीयर्ड ऑन द रिबन। अब आप देखेंगे कि स्मार्ट आर्ट आपके स्लाइड में अपीयर हो जाए और आपके स्क्रीन पे दो नए स्लाइड अपीयर होंगे, डिजाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्ट आर्ट को डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल डिजाइन कलर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप फाइव, क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन स्मार्ट आर्ट। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके और जो टेक्स्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं टाइप कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग स्मार्ट आर्ट। यू कैन चेंज द कलर लेआउट स्टाइल्स एटीसी ऑफ द स्मार्ट आर्ट। इन ऑर्डर टू एडिट, डबल क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट। All smart art tools under design tab will appear on the ribbon. Editing smart art. अब चाहते हैं आपके अपने smart art में changes करना, जैसे आप color change करना चाहते हैं, layout, styles, तो आप आसानी से change कर सकते हैं। Simply आपको क्या करना है, double click करना है आपके अपने smart art पे, तो क्या होगा, डिजाइन टैब आपके रिबन पे अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू चेंज कैटेगरी चूज फ्रॉम द लेआउट ग्रुप। अगर आप स्मार्ट आर्ट का कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो लेआउट ग्रुप पे क्लिक कीजिए। इन ऑर्डर टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्मार्ट आर्ट, सेलेक्ट एनी वन out of the different styles from the smart art styles group. We can also change the color from the change group. अगर आप उसका appearance change करना चाहते हैं तो आप different smart art styles पे click करके change कर सकते हैं। अगर आप color change करना चाहते हैं तो change color पे click कीजिए और बहुत सारे कलर आपके स्क्रीन पे आएंगे, आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। हियर गिवन ऑल थ्री ऑप्शंस, चेंजिंग लेआउट, चेंजिंग कलर, चेंजिंग स्टाइल्स। थैंक यू।